तो एक और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मौसम है अपने लॉस सैंटोस का, बट मेरी जिंदगी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं चल रही है क्योंकि मैं यहाँ पर काफी सारे गुंडों के बीच घिर गया हूँ भाई बहुत बुरी तरीके से। और लिटरली मैं यहाँ पर 5 व्हाइट टी शर्ट पहने हुए भाई है और 5 ब्लैक टी शर्ट पहने हुए भाई है, भाई 5 के 5 और ये 5 10 के 10 ने भाई पकड़ के मिल के कूट दिया है मेरे को, दिमाग खराब कर दिया है नालायकों ने। अबे यार अबे एक सेकेंड रुको बेटा उठने दो मेरे को, एक को तो ढेर मैंने कर दिया, अबे फिर से पड़ गया यार, अबे अबे अबे, अबे उठने दे भाई एक सेकेंड। ओके आजा बेटा, अभी ये ले एक लात, और अभी तुझे भी चाहिए एक लात है अबे व्हाइट टी शर्ट वाले, अबे ये ले तू भी, अबे लग रही है भाई। यहाँ पर गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट जा रही है। अरे भाई तुम लोग कहाँ से आ गए सारे के सारे, एक सेकंड, अबे फिर से लात मार रहे, एक सेकंड उठने तो दो बे, अबे उठने दो यार, अरे यार गिरी गया बहुत ही बुरी तरीके से, अबे उठने दे भाई उठने दे, तेरी ऐसी की तैसी कैसे मार रहा है अभी इतनी देर से मेरे को, है बे तू भी आ जा बेटा, तू भी ले एक, ओके ये ले बेटा ये ले तू भी, अबे यार एक और लात भर दी इसने, अबे यार क्या कर रहे हैं ये लोग, आई थिंक गाइस मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए यार, लिटरली मैं भर भर के बजा दिया है भाई इन लोगों ने। अबे यार एक और मुक्का पड़ गया, अबे लग रही है भाई, अबे फिर भागना पड़ेगा गाइस, आई थिंक यार यहाँ से पक्का भागना पड़ेगा, जल्दी से मैं निकलता हूँ यहाँ से। अबे यार भाई कितने बजा रहे हैं मेरे अंदर, एक सेकंड जल्दी लेट्स गो। अबे यार क्या है ये लोग, अबे भागने दो भाई प्लीज मेरे को यहाँ से, लेट्स गो गाइस जल्दी से, तेरी ऐसी की तैसी, निकल भे व्हाइट टी शर्ट वाले, भागते हैं यार यहाँ से। अबे यार ये तो पीछा ही कर रहा है मेरा, अबे ये बंद किसने कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ भाई, एक सेकंड मेरे पास कोई गन भी नहीं है यार, मैं लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पिटा हूँ यार यहाँ पर, आज बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीट दिया इन लोगों ने, और मैं इसका बदला लेकर जरूर आऊंगा गाइस, कुछ भी हो जाए बदला तो इनसे मैं लूंगा। अभी तो फिलहाल यहाँ से भागू कैसे मैं, हाँ यहाँ से भाग सकता हूँ, एक सेकेंड लेट्स गो, बच गया भाई बच गया फाइनली, ओके लेट्स गो। यार क्या कूट दिया भाई इन लोगों ने पकड़ के, मैं सच बता रहा हूँ वैसे तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखता हूँ यार बॉडी वगैरह के संग, बट मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि 10 बंदों को एक साथ पीट सकूँ, क्या करूँ लेकिन ऐसा कि मेरे पास ऐसी पावर आ जाए, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊँ मैं कि 10 या 100 बंदे भी एक साथ पीट सकूँ, और ऐसा तो पता नहीं यार कैसे हो सकता है, जाकर जरा शिनचैन पिनचैन और चॉप से राय लेते हैं। लेकिन नहीं यार वो लोग तो भाई माउंट सिलाट की तरफ घूमने गए हैं, अबे यार वो लोग भी अजीबो गरीब है, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो लोग भाग जाते हैं। अभी आज ही देखो भाई सुबह सुबह निकल गए माउंट सिलाट की तरफ, कल भी गए थे ये लोग और आज फिर निकल गए हैं, क्या ऐसा दिख रहा है भाई ने माउंट सिलाट से, पता नहीं गाइस क्या ही दिख रहा है, बट मैं जो भी हो जाए आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करने वाला हूँ, और उसके लिए जो भी करना पड़े मैं वो करने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल घर चलते हैं और जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आखिर में करना क्या चाहिए, बाइक दे लौंडे बाइक दे, यार गाड़ी दे भाई तू गाड़ी दे फटाफट चल। तो यहाँ पर एक बंदे की मैंने गाड़ी छीन ली है और मैं गाड़ी से नहीं बाइक से जाने वाला हूँ डेफिनेटली, क्योंकि बाइक बढ़िया लगती है भाई, बाइक चलाने में अलग ही मजा आता है। ओके चलो थैंक यू सर बाइक देने के लिए। तो अभी जल्दी से घर निकलते हैं और जरा सोचते हैं गाइस कि आखिर में मैं किस तरीके से सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट बन सकता हूँ, इतना स्ट्रांग कि मैं 10 बंदों को नहीं बल्कि 100 या 1000 बंदों को भी एक साथ पीट सकूं, इतना स्ट्रांग वैसे कोई हो भी सकता है या फिर नहीं, आई डोंट नो गाइस, बट आई थिंक डेफिनेटली मैं बन सकता हूँ यार इतना स्ट्रांग। तो अभी तो पहले घर चलते हैं जल्दी से, आई थिंक मे बी एक्सरसाइज जिम वगैरह करने से नहीं यार इतने से, अगर स्ट्रांग बनना होता तो सारे जिम वाले बंदे भाई सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन के घूम रहे होते, लेकिन वो इतने स्ट्रांग थोड़ी ना होते हैं कि एक साथ 10 बंदों को पीट दे, इसीलिए आई थिंक गाइस जिम एक्सरसाइज वगैरह से तो कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करना चाहिए मुझे, सोचना पड़ेगा क्या करूँ ऐसा मैं कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर, एक सेकेंड पावर तो अपने सिर्फ और सिर्फ एवेंजर्स के पास है, आई थिंक गाइस मुझे एवेंजर्स से हेल्प लेनी चाहिए, मे बी इस मैटर में वो लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, शायद वो लोग अपनी पावर्स मुझे दे दे हमेशा के लिए, मे बी हो सकता है, या फिर मुझे पावर्स लेने में हेल्प करे, देखते हैं गाइस। मुझे लगता है एवेंजर्स के पास जाना चाहिए, वैसे भी इन जो 10 बंदों ने भाई मेरे को पीटा है ना, पहले तो मैं सोच रहा था बहुत ज्यादा गलत किया इन लोगों ने, बट सही किया यार, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला हूँ। तो जल्दी से निकलते हैं गाइस अभी एवेंजर्स की तरफ, एवेंजर्स अपने घर पर तो मिलने वाले हैं नहीं, वो तो बीच साइड पर मिलेंगे, जल्दी से अभी गाड़ी निकालता हूँ मैं अपनी और निकलता हूँ गाइस एवेंजर्स से मिलने के लिए बीच की तरफ।
तरफ। ये बीच एक्चुअली में वो वाला बीच है जहाँ पर लॉस सैंटोस का पोर्ट है, तो उधर ही जाना है हम लोगों को। बाकी ये बाइक किस, अच्छा मेरी, मतलब मैं जो चुरा कर लाया था बाइक, जिस बाइक से मैं घर पहुंचा वाली बाइक मैंने बीच रास्ते पर ही छोड़ दी है। कोई बात नहीं, अभी जल्दी से निकलते हैं गाइस हम लोग लॉस सैंटोस के पोर्ट की तरफ और जल्दी से पहुंच के एवेंजर्स के पास उनसे हेल्प मांगते हैं। देखते हैं यार, क्या पता वो लोग पावर्स मुझे दे दें या फिर पावर्स इकट्ठी करने में, पावर्स कलेक्ट करने में वो लोग मेरी हेल्प कर सके। आई डोंट नो गाइस एवेंजर्स किस तरीके से मेरी हेल्प करने वाले हैं, बट हेल्प तो पक्का करेंगे वो लोग, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। अभी फुल स्पीड में निकलते हैं सीधे एवेंजर्स की तरफ। तो अभी मैं फाइनली पहुंचने वाला हूँ गाइस उस पोर्ट की तरफ जहाँ पर एवेंजर्स के मिलने के फुल चांसेस हैं, और वो वाला पोर्ट है किधर की साइड है, हाँ सामने की तरफ है शायद। यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा घूम के, हाँ यहाँ से मुझे घूम के जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आगे जाकर लेफ्ट लेना है। लेट्स गो। अरे यार, एक तो ये सुपर कार जो होती है ना लॉस सैंटोस के अंदर, ये बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से चल नहीं पाती है। जैसे यही वाली गाड़ी देख लो भाई, ब्रेक जब लगाता हूँ कुछ देर बाद जाके ब्रेक लगते हैं, स्पीड जब बढ़ाता हूँ स्पीड बढ़ाने से पहले स्पीड बढ़ जाती है, अलग ही सीन चालू है। और जो भी होगा, इस पोर्ट के बगल में आ चुके हैं हम लोग। वो देखो सामने की तरफ पोर्ट है और यहाँ पर ये बीच है। ये वाला बीच उतना फेमस नहीं है जो लॉस सैंटोस का मेन बीच है उसकी तरह, यहाँ पर बहुत कम बंदे दिख जाएंगे। यही बंदे मिलते हैं एक आध जिनका इधर आजू बाजू घर है, इधर ही एक्सरसाइज वगैरह वॉकिंग वगैरह के लिए आ जाते हैं। बाकी एवेंजर्स कहाँ है यार, कब से घूम रहा हूँ बीच पे। हेलो भाई एवेंजर्स, कहाँ पर हो तुम लोग? आयरन मैन, हल्क भाई, कोई है यहाँ पर? हेलो, अबे कोई भी नहीं है भाई, पूरा बीच खत्म हो गया, तो कोई भी नजर नहीं आया मेरे को। शायद से गए एवेंजर्स अब यहाँ पर नहीं रहते आजकल, शायद वो लोग चले गए हैं यहाँ से। आगे जाकर एक बार देख कर आऊँ क्या, आगे अपनी गाड़ी तो जाने से रही, क्योंकि एसयूवी होती तो चली भी जाती, सुपर कार है ये। यहाँ पर हो क्या भाई? ओ वेट, हल्क दिखा। अबे आयरन मैन, थॉर सारे यहीं तो है। हेलो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं फ्रैंकलिन, यहाँ पर बस लॉस सैंटोस के नजारे ले रहे हैं। वैसे एक बात बताओ बे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब तक घर नहीं बनाओगे हमारा, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा हाँ, इनका घर भी बनाना है यार, मैं तो भूल ही गया। बनाऊंगा, टेंशन मत लो एवेंजर्स, बनाऊंगा एक ना एक दिन, बनाऊंगा जरूर। लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे तुम लोगों के हेल्प की जरूरत है। बताओ यार, क्या हेल्प करनी है? मेरे को भाई कुछ बंदों ने पीट दिया है पकड़ के, और तुम उनसे बदला लेना चाहते हो? नहीं, बदला नहीं लेना मेरे को किसी से बदला नहीं लेना है, मेरे को बस स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनना है क्यों? अबे देख भाई, मेरे को 10 बंदों ने मिलकर पीटा है, मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ कि मैं 1000 बंदों को एक साथ मिलकर पीट सकूं। एक साथ 1000 बंदों को? हाँ बिल्कुल, इतनी पावर्स चाहिए। इतनी तो पावर्स तुम्हें तभी मिल पाएंगी जब तुम हम तीनों से पावर्स कलेक्ट करोगे। तीनों से पावर्स कलेक्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ, बस तुम लोग बताओ कब दे रहे हो पावर्स। पावर्स तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हर पावर के बदले तुम्हें हमारा एक टास्क करके दिखाना होगा, और अगर वो टास्क कर दिया तो पावर्स तुम्हारी। अच्छा फिर तो सही है यार। तो बता भाई आयरन मैन क्या टास्क है, या फिर हल्क भाई तू बता क्या टास्क है। देखो फ्रैंकलिन, मेरा तो एक ही टास्क है, तुम्हें प्लेन के अंदर एक रस्सी बांधनी है और खुद के अंदर एक रस्सी बांधनी है, और उस रस्सी से उस प्लेन को खींचना है। क्या पागल हो गया भाई तू? इतना ज्यादा स्ट्रांग होता तो मैं तुम लोगों के पास पावर से मांगने क्यों आता? प्लेन को रस्सी से बांध के खींचना है यार, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर ये कंप्लीट कर दिया तो क्या देगा भाई हल्क तू? मैं तुम्हें दूंगा तेज दौड़ने वाली, किसी भी चीज को उठाने वाली, और जोर से उछलने वाली पावर। क्या बात कर रहा है, तीन तीन पावर? बिल्कुल। ये फिर तो टास्क करना पड़ेगा यार, भले कितना भी डेंजरस टास्क हो, भले कितना भी मुश्किल टास्क हो, करना तो पड़ेगा। ठीक है, बाकी आयरन मैन तू अपना टास्क बता दे। अरे पहले हल्क का तो टास्क करो, उसके बाद मैं अपना बताऊंगा यार। ठीक है गाइस, चलो यार हल्क का टास्क करते हैं। हल्क ने बोला है एक प्लेन को खींचना है हम लोगों को। भाई प्राइवेट जेट या फिर बड़ा वाला पैसेंजर प्लेन? बड़ा वाला पैसेंजर प्लेन। अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, प्राइवेट जेट तो थोड़ा हल्का फुल्का भी होता है। चलो गाइस अभी एयरपोर्ट पर चलते हैं, पास में यह एयरपोर्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में। पर जो भी हो गाइस, ये टास्क भले कितना भी मुश्किल हो मैं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे हल्क देगा इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद तीन तीन पावर्स। एक तो किसी भी भारी चीज को उठाने वाली, दूसरी पावर वो देगा तेज दौड़ने वाली, और तीसरी पावर देगा ऊंचा उछलने वाली, जो कि तीनों की तीनों एकदम दमदार पावर्स है। लेट्स गो, चलते हैं अभी फटाफट से एयरपोर्ट पर। और वैसे मैं सोच रहा था यार, हल्क का टास्क कंप्लीट करने पर हल्क मुझे इतनी सारी पावर्स दे रहा है, आयरन मैन का टास्क कंप्लीट करूंगा तो वो कितनी सारी पावर्स देगा, और फिर थॉर कैसी कैसी करंट वाली पावर्स देगा। पर मजा आ जाएगा यार, सबका टास्क कंप्लीट करके मैंने पावर्स कलेक्ट कर ली तो फिर तो सच में 1000 क्या है, 10,000 1,00,000 बंदों को भी आराम से हरा सकता हूँ मैं। बाकी अभी तो एयरपोर्ट चलते हैं। तो पहुंच चुका हूँ गाइस एयरपोर्ट में, और बस एंट्री लेने ही वाला हूँ एयरपोर्ट के अंदर। चल भाई बैरिकेड ओपन कर दे। हेलो,
ओ आज पहली बार इसने बैरिकेड ओपन किया इस वाले गार्ड ने। ओके तो हम लोग आ चुके हैं गाइज एयरपोर्ट पर और यहाँ पर मुझे जुगाड़ करना है एक पैसेंजर प्लेन का जो कि मुझे नजर भी आ रहा है ये येलो वाला, बट आई थिंक वो एक डैमेज्ड प्लेन है आई थिंक, इसलिए तो ये टेक ऑफ नहीं कर रहा है। हाँ ये काफ़ी सालों से यहीं पर खड़ा है, ख़राब प्लेन है वो। ये वाला वो वाला आई थिंक ठीक ठाक प्लेन है। चलो गाइज इसको मैं खींचने का ट्राई करने वाला हूँ। ये भी कहीं डैमेज ही तो नहीं है लग तो रहा है, पता नहीं भाई। ओ वेट यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्लेन हैं, लेट्स गो। नहीं मैं से कोई प्लेन उठा लेता हूँ, मैं सारे के सारे तो डैमेज प्लेन होंगे नहीं। अभी उठाना क्यों है मुझे, बस इसे पुल ही तो करना है। थोड़ा सा भी पुल हो गया ना भाई अपना टास्क कंप्लीट हो जाएगा। एक काम करता हूँ थोड़े बढ़िया वाले रनवे पर लेकर चलता हूँ इसे मैं। यहाँ पर तो गाइस उतना अच्छा रनवे ये वाला है नहीं, इसे थोड़े से बढ़िया रनवे की तरफ लेकर चलता हूँ जो सामने वाला रनवे है। एक सेकेंड, ये रिवर्स में भाई प्लेन को ले रहा हूँ मैं, बताओ प्लेन भी कोई रिवर्स में जाता, लेकिन मैं ले जा रहा हूँ प्लेन को रिवर्स में। ओके ये मैं आ गया लेकर, लेट्स गो। अरे टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, अबे टेक ऑफ कर लिया भाई मैंने। एक सेकेंड, लेट्स गो। हाँ अभी सब कुछ ठीक है। ओके अब बस इसे पीछे लेकर आना है आराम से, और ये वाला रनवे अपना एकदम सेट है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ये हुई ना बात, अभी मजा आएगा भाई इस पे आई थिंक इजीली हो जाएगा ये प्लेन को खींचने वाला टास्क। चलो इसे मैं लेकर आ गया यहाँ पर, और ये आराम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गया, प्लेन से उतर भी गया मैं डायरेक्टली। ओके अब इसे खींचने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो एक मजबूत रस्सी लेकर आते हैं। ओके तो एक हुक वाली रस्सी लेकर आ चुका हूँ मैं, जिसको मैंने अपनी बेल्ट से लगा लिया है, और देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली रस्सी। ओ भाई साहब अभी तक मैंने प्लेन को अटैच भी नहीं किया अपनी इस रस्सी से, और तुम लोग ये वाली रस्सी का कमाल देखो भाई। ओ यार ये तो पूंछ लग रही है मेरी। ओ रे भाई साहब ये देखो जरा इसका कमाल। ओ पूरा प्लेन उड़ा दिया, व्हाट, ये रस्सी तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है यार, या फिर मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, आई डोंट नो गाइस। बट ये देखो भाई ये रस्सी ले गया मैं प्लेन के पास, और ये प्लेन पूरा उड़ा दिया। ओ भाई साहब मजा आ रहा है यार प्लेन को परेशान करने में। ओह तेरी क्या बात है, अब जरा प्लेन से अटैच करते हैं इस रस्सी को, लेट्स गो गाइस। तो मैंने अभी हुक को अटैच कर दिया है गाइस खुद से, और साथ ही साथ प्लेन से भी, तुम लोग देख सकते हो भाई पीछे की साइड। बट अब इस प्लेन को मैं कितनी ज़्यादा इजीली पुल तो छोड़ो भाई उड़ा पा रहा हूँ, तुम लोग देख सकते हो यार लिटरली मैं, आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल अचानक से कैसे हो गया, बट डेफिनेटली ये सब मैं कर पा रहा हूँ। भाई साहब प्लेन की हालत तो देखो यार, और ये लिटरली मैं पैसेंजर प्लेन है भाई साहब, क्या बात है, मज़ा ही आ गया यार, लेट्स गो। कैसे हो रहा है यार, मैं अगर इतना ही ज़्यादा पावरफुल हूँ तो मैं तो इजिली 10 बंदों को पीट सकता हूँ, कैसे हो रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई लिटरली मैं, बट यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। ओके लेट्स गो, जो भी हो रहा है भाई हल्की पावर तो मिलेगी अब मेरे को, इजिली पुल कर दिया भाई, पुल क्या है? इसका कुत्ता बना दिया मैंने प्लेन का, और कुछ नहीं है, पुल तो छोड़ो पता नहीं क्या ही हाल कर दिया मैंने प्लेन का। लेट्स गो गाइस, आई थिंक इतना काफ़ी है टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो चलो भाई अभी टास्क कंप्लीट हो चुका है, अभी जल्दी से हम लोग हल के पास निकलते हैं, प्लेन को भी यही छोड़ते हैं, और साथ ही साथ इस रस्सी को भी यही छोड़ते हैं। थैंक यू रस्सी, एकदम दमदार रस्सी थी भाई ये। अभी गाड़ी लेकर आता हूँ मैं, तो ये है अपनी वो वाली गाड़ी जिस गाड़ी से मैं आया था यहाँ पर, अभी इसको लेकर यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो, और वापस से चलते हैं बीच की तरफ, क्योंकि मैंने हल का टास्क कंप्लीट कर दिया, अब हल मुझे डेफिनेटली पावर्स देने वाला है, और उसके बाद मुझे अब आयरन मैन का टास्क कंप्लीट करना है। देखते हैं यार आयरन मैन क्या टास्क देता है, जैसा भी टास्क हो भाई कंप्लीट तो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, आई डोंट नो कैसे आ गया इतना कॉन्फिडेंस, बट आ गया है। लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से बीच साइड पर। तो ये मैं वापस से पहुँचने वाला हूँ आयरन मैन, हल्क और थॉर के पास, बस आगे से थोड़ा सा और जाना है। अबे यार ये लोग इधर नहीं आ सकते क्या, थोड़ा बार बार मेरे को वहाँ जाना पड़ रहा है। ओके फिर यहाँ पर गाड़ी को लगाते हैं। चल भाई हल तेरा टास्क कंप्लीट कर दिया मैंने, चल पावर्स दे अपनी। अरे हाँ यार तुमने ये कैसे कर दिया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे भी कर दिया तू पावर्स दे। ये लो तेज दौड़ने वाली, उछलने वाली, और किसी भी भारी से भारी चीज को उठाने वाली पावर्स तुम्हारी। चल भाई आयरन मैन अब तू टास्क दे भाई। तो देखो फ्रैंकलिन मेरा टास्क बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। अबे सिंपल हो चाहे कुछ भी हो तू फटाफट से टास्क दे। तो देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। क्या सच में कुछ भी नहीं करना है? अरे मतलब तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपली बस एक ट्रेन को रोकना है। अच्छा उस ट्रेन के ऊपर चढ़ना है। ठीक है समझ गया, आगे बोल। ट्रेन को हाईजैक करना है। अच्छा और उसके बाद? ट्रेन को उसकी हाईएस्ट स्पीड लिमिट तक भगाना है, और फिर उस ट्रेन से जंप लगा देनी है। सिंपल इजी एंड मजेदार। अबे यार ये तो मुश्किल है। हाँ मुश्किल है तभी तो दिया है। और अगर मैंने तेरे ये टास्क कंप्लीट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा भाई? तुम्हें मिलेगी उड़ने वाली पावर्स। ओ नाइस यार फिर तो ठीक है। क्या करना है, एक ट्रेन रोकनी है?
रोकनी नहीं है, मतलब चलती हुई ट्रेन के ऊपर चढ़ना है, उसके बाद उस ट्रेन को हाईजैक करना है, उस ट्रेन को उसकी हाईएस्ट स्पीड लिमिट तक पहुंचाना है और उसके बाद उस ट्रेन से जंप लगा देनी है। कितना सुनने में आसान है लेकिन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, हालत खराब हो जाएगी मेरी। बट अगर गाइस उड़ने वाली पावर चाहिए तो कितना भी मुश्किल टास्क को करना तो पड़ेगा ही। फिलहाल तो एक ट्रेन आ भी रही है, लेट्स गो। अपनी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है, जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा ट्रेन भी आ गई। अब बस इसके एक कोच खाली है, मुझे उसी कोच में चढ़ना है, बाकी सारे तो भरे हुए हैं कंटेनर से। नहीं, दो खाली है, दो। लेट्स गो, ब्लू वाले पे चढ़ते हैं। अरे नहीं, चढ़ पाया। कम ऑन, ऑरेंज वाले पे, कम ऑन, कम ऑन। अबे यार, नहीं, मैं पकड़ के रहूंगा इस ट्रेन को, कुछ भी हो जाए अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ उस ट्रेन से भी। लेट्स गो यार, बढ़िया ट्रेन थी ये, चढ़ने लायक थी एकदम। ओके, फुल स्पीड, जल्दी से ट्रेन से आगे निकलता हूँ मैं। ये जो ट्रेन है गाइस, नॉर्मली अपने लॉस एंटोस की 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है, जबकि इनकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आर है, और मुझे इनकी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचाकर जंप लगानी है, जैसा कि आयरन मैन ने मुझे कहा था। यानी मुझे इस ट्रेन को 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक पहुंचाना होगा और उसके बाद जंप लगाना है भाई। ओके, कम ऑन, इस बार चढ़ जाऊं प्लीज मैं। आराम से, जाने दो, पहले इंतजार करते हैं, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, आराम से। लेट्स गो, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर मैं ट्रेन के ऊपर काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चढ़ चुका हूँ, फुल कंट्रोलेबल वे में। मेरी गाड़ी पीछे ही रह गई, कोई बात नहीं, गाड़ी को बाद में आकर लेकर चले जाएंगे। अभी इस ट्रेन को जरा इसकी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचाता हूँ। सबसे पहले तो इसको ड्राइवर को उड़ाना पड़ेगा। अबे यार, मैं गन तो लेकर आया नहीं, चल इसको बाहर फेंक देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ड्राइवर को मैंने बाहर फेंक के खुद कंट्रोल ले लिया है ट्रेन का। देख सकते हो यार, मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेन के इंजन के अंदर, और अभी इसे मुझे ले जाना है इसकी मैक्सिमम स्पीड। बताओ यार, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ये, इससे आगे तो नॉर्मल लॉस एंटोस की गाड़ियां निकल रही है। अबे इससे तेज तो हिरन दौड़ रहा है सड़क पे, वो देखो यार, सच में हिरन दौड़ रहा है सड़क पे। कैसे क्रॉस किया यार उसने सड़क को। तो अभी ये ट्रेन पहुंच चुकी है, 130-180 तक ले जाना है हम लोगों को। वैसे गाइस, अभी तक तुम लोग ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। यस गाइस, अभी के जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और ये ट्रेन पहुंच चुकी है इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट, जो कि है 179-180 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक गाइस, यही सही टाइम है इस ट्रेन से जंप लगाने का, तो चलते हैं, जरा जंप लगाते हैं। आई डोंट नो क्या हाल होने वाला है मेरा। लेट्स गो। ओ भाई साहब, क्या गिरा हूं मैं। ओ कितनी ज्यादा फास्ट जा रही है ये ट्रेन लिटरली। मैं तेरी जंप तो लगा दी भाई, ज्यादा चोट नहीं लगी, तुम लोग देखो लिटरली में भाई थोड़ी बहुत चोटें लगी है, देखो हल्का सा खून ही तो निकला है। अब तो उड़ने वाली पावर्स मेरी गाड़ी, हाँ ये तो रही। अब इस गाड़ी को फिर से लेकर चलते हैं बीच साइड पर, और अभी आयरन मैन का पावर्स देने का टाइम है, लेट्स गो। हेलो आयरन मैन, आ गया मैं अपनी उड़ने वाली पावर्स लेने के लिए। अरे यार, तुम्हें कितना स्ट्रांग बनना है यार, तुम तो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। बताओ, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन से जंप लगा दी, हल्का टास्क कंप्लीट कर दिया, वो भी इतना मुश्किल। चलो कोई बात नहीं, ये रही तुम्हारी उड़ने वाली पावर्स, खुश रहो फ्रैंकलिन, अब मजे करो। मैं तो खुश रहूंगा भाई, क्योंकि उड़ने वाली पावर्स और स्ट्रांग वाली पावर भी आ चुकी है। अब थॉर भाई, जरा तू भी कोई सी पावर्स दे दे। अरे यार, मैं कौन सी पावर्स दूं तुम्हें भाई, तू भी कोई टास्क बता, तेरा भी टास्क कंप्लीट कर दूंगा मैं। चलो मैं तुम्हें एक ऐसी पावर्स दूंगा जिससे तुम किसी को भी टच करोगे तो उसे बिजली के झटके लगेंगे। तेरी, ओ ये तो सबसे मस्त पावर है, दे भाई जल्दी दे। तो मेरा टास्क कंप्लीट करो। टास्क तो बता तू। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बिजली के खंबे पर 2 मिनट तक खड़े रहना है। बिजली के खंबे पर की कहां पर? अरे बिजली कड़ा ट्रांसफार्मर, उसके ऊपर खड़े रहना है। मैं बहुत तेज झटके लगते हैं वहां पर, तो यही तो टास्क है। अबे यार, ये तो थोड़ा मुश्किल टास्क है, बट जो ये पावर दे रहा है ना भाई मुझे, उसके सामने तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेट्स गो, चलते हैं अभी जल्दी से, और इस थॉर के बच्चे के भी टास्क कंप्लीट करते हैं भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं अपने लिए, आज तक मजा आ गया। तो जहां तक है, एक ट्रांसफार्मर अपने लॉस सेंटोस के अंदर इधर ही होना चाहिए, बट अगर यहां पर नहीं मिलता है तो मैं एक हाईवे पर ट्रांसफार्मर है वहां पर भी जा सकता हूं। ट्रांसफार्मर नहीं दिख रहा है यार यहाँ पर तो लॉस सेंटोस में। आई थिंक गाइज, मुझे हाईवे वाले पर ही निकलना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यस गाइज, निकलते हाईवे वाले ट्रांसफार्मर की तरफ। अब हाईवे वाला ट्रांसफार्मर पता नहीं कितनी ज्यादा दूर है, कितना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। वेट, यही है क्या? एक सेकेंड रुक जाओ जरा। हाँ यही तो है, ये तो रहा। लेट्स गो, जल्दी आ गया, छोटा सा ये है, बट हाँ झटके तो यहाँ पे उतने ही लगेंगे। जल्दी से चलते हैं इसके अंदर, यहाँ से इधर। भाई पता नहीं यार इसके ऊपर ये काम भी करता है कि नहीं। लेट्स गो,
ओके, तो इसके ऊपर आ तो चुका हूँ मैं। आई डोंट थिंक गाइस ये काम कर रहा है इस वक्त। हाँ ये काम नहीं कर रहा भाई, ये नहीं काम कर रहा भाई, किसी दूसरे ट्रांसफार्मर की तरफ जाना पड़ेगा। अबे यार अपनी किस्मत ही खराब है आज, थोड़ी नहीं यार कुछ ज्यादा ही खराब है। बताओ ये काम ही नहीं कर रहा है। मिल गया मुझे लॉस सैंटोस वाला भी मिल गया गाइस, ये रहा लॉस सैंटोस वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट। यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है सारे काम करते हुए मिलेंगे भाई। बहुत ही खतरनाक जगह है ये, लिटरली में बहुत खतरनाक जगह है। जल्दी से चलते हैं हम लोग अंदर भाई साहब, यहाँ लगेंगे बहुत ही तेज वाले झटके। कोई बात नहीं, मस्त वाली पावर्स भी तो मिलने वाली है। ओके वैसे गाइस तुम लोगों ने यार अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के अभी जाओ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो, बाकी देखते हैं कैसे झटके लगते हैं यहाँ पर। ओके ओ तेरी ओ भाई साहब, ओ ओ क्या तगड़े झटके लगे, आवाज देखी तुम लोगों ने, आवाज सुनना जरा ध्यान से भाई साहब इधर। ओके अभी तो कुछ नहीं हो रहा है भाई, अभी ठीक है। ओ लगा 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 उड़ गया भाई मैं तो पूरा ही। ओ तेरी आवाज सुन रहे हो तुम लोग, बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है यार ये तो, डेंजर हाई वोल्टेज लिखा भी है इसके ऊपर। बट फिर भी गाइस हम लोग टास्क कंप्लीट करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। ओके अरे भाई आराम से झटके, अरे नहीं लगे नहीं लगे, अरे लग गए लग गए। ओहो डैमेज देख रहे हो तुम लोग, 2 मिनट तक खड़े रहना, पता नहीं यार 2 मिनट कभी होंगे। लाल मैं पूरा टाइम लगा देता हूँ इधर ही, लेट्स गो। ओके अभी तो नहीं लगा कोई झटका, 2 मिनट होने भी वाले होंगे यार आई थिंक। ओके नहीं लगा भाई अभी झटका नहीं लगा, मजाक गया, लेट्स गो जल्दी हो जाएगा टास्क भाई, फटाफट से हो जाएगा। ओ लगा 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 बहुत तेज लगा लगा भाई लगा, करंट लगा बहुत तेज। आई थिंक गाइस अभी निकलना चाहिए यार, 2 मिनट तो हो गए होंगे, एक बार और चलो देख लेते हैं पता चला। ओ तेरी ये वाला झटका कितना पावरफुल था, तुम लोग जरा आवाज सुनना भाई ध्यान से, पीछे क्या ऐसे आवाज सी आ रही थी। अरे कहाँ से एग्जिट पॉइंट था यार, मैं तो यही भूल गया। अरे एग्जिट कहाँ से था भाई, हेलो हेलो एग्जिट कहाँ से था भाई, हेलो अरे कोई बताएगा एग्जिट कहाँ से था। मिल गया एग्जिट मिल गया। अबे चलो भाई फाइनली तीनों के टास्क कंप्लीट कर दिया, अभी मेरे पास तीनों पावर्स आ चुके हैं। जरा टेस्टिंग भी करेंगे यार हम लोग, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तीनों पावर्स की टेस्टिंग भी करेंगे क्योंकि इतनी मेहनत से टास्क किया है, ढंग से इन लोगों ने पावर्स मुझे दी भी है कि नहीं ये भी देखना है। तो ये लो फ्रैंकलिन तुम्हारी बिजली वाली पावर, इससे किसी को भी टच करोगे तो उसे बिजली के झटके लगेंगे। तो आई थिंक गाइस अभी मैं बन चुका हूँ भाई लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा, और ये टेस्ट करने का टाइम आ चुका है भाई। तो अपनी पावर को कर लिया मैंने एक्टिवेट, सबसे पहले तो देखते हैं हल्क की पावर्स। हल्क ने मुझे 3 पावर्स दी थी, तेज दौड़ने वाली जो कि अभी रुक जाओ बढ़िया से काम कर रही है, यस तेज दौड़ने वाली पावर बढ़िया काम कर रही है। दूसरी पावर जो हल्क ने मुझे दी थी वो थी भाई बढ़िया सी जंप वाली, वो भी अच्छी काम कर रही है, लेट्स गो भाई प्लेन खींचना मेरे लिए बढ़िया रहा। और तीसरी जो पावर दी थी हल्क ने वो दी थी किसी भी भारी से भरकम चीज को उठाने वाली, जो कि मैं इजीली कर पा रहा हूं, देख सकते हो भाई यहां पर मैंने एक पूरी की पूरी एसयूवी को उठा दिया है और इसे मैं फेंकता हूं रुक जाओ इस वाली गाड़ी के अंदर। सामने की तरफ एक ट्रक जा रहा है, जरा ट्रक को उठा के देखते हैं ट्रक उठा पाता हूं या फिर नहीं मैं। अरे टेम्पो छोड़ो भाई ट्रक लेने चलते हैं, ये रहा ट्रक। ओ भाई वो टेम्पो कहां उड़ गया। ओके तो ये मैंने ट्रक उठा लिया, अब इस ट्रक को फेंकता हूं मैं इस वाली गाड़ी के ऊपर, ये लो भाई। तो गाइज यस हल्की तो तीनों पावर्स काम कर रही है, आयरन मैन ने मुझे दी थी उड़ने वाली पावर्स, तो ये ओ नाइस। ओ भाई साहब आयरन मैन की उड़ने वाली भी पावर्स काम कर रही है भाई, एवेंजर्स ने धोखा तो नहीं दिया इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ भाई, उड़ने वाली पावर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है यार ये तो। और ये नीचे करते हैं लैंड, लेट्स गो। अबे नीचे कैसे गिर गया मैं, तेज उछलने वाली पावर का यूज करते हैं, तेज दौड़ने वाली पावर्स का यूज करते हैं अब जरा, ये दौड़ने वाली पावर्स, फिर इसके बाद आयरन मैन वाली पावर्स, जरा एक सेकेंड, ये लो भाई उड़ने वाली पावर्स। और अभी जरा नीचे चलते हैं क्योंकि अभी मुझे टेस्ट करना है गाइस थॉर वाली पावर, जिससे किसी को भी अगर हम लोग टच करते हैं तो उसको बिजली के झटके लगेंगे, व्हाट ये तो अनबिलीवेबल पावर हो जाएगी। किसको टच करूं मैं, अरे यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, देखो जरा इसको टच करने से पावर काम कर रही है क्या मेरी। अबे यार मुक्का भर दिया इसमें तो मेरी बेइज्जती हो गई यार, कोई बात होती है ये। अरे हेलो भाई बिजली वाली पावर क्यों नहीं काम कर रही है मेरी, पता नहीं गाइस ये बिजली वाली पावर कैसे काम करेगी, रुक जाओ कोई और बंदा ढूंढता हूँ। हाँ यहाँ पर 2-4 बंदे हैं। हेलो सर आपको टच करने से क्या करंट लगेगा, अबे नहीं लग रहा है यार करंट तो, बल्कि मैंने अभी सीटी मारी भाई। देखते हैं। ओ भाई ओ वेट मेरी पावर ने काम किया अभी, आई थिंक गाइस मेरी पावर, ओ यस वो डेफिनेटली काम कर रही है भाई मेरी पावर्स भाई, थॉर की अभी तक की सबसे क्रेजी पावर आई थिंक ये, क्या बात है भाई क्या बात है, ये हुई ना बात, मजा आ गया भाई मजा ही आ गया भाई, इसे कहते हैं पावर मिलना,
ये देखो जो झटके दे रहा हूँ मैं लोगों को, इसका अलग ही मजा है भाई। अब आ जाओ, जरा उन वाले बंदों के पास चलता हूँ जो 10 बंदे मुझे मिलके मार रहे थे, जरा उन्हें बताता हूँ बिजली वाली पावर किसे कहते हैं। भाई आयरन मैन की पावर भी अच्छी है, हल्क की भी पावर अच्छी है, बट सबसे बेहतरीन मुझे थॉर की पावर लगी। तुम लोगों को सबसे बढ़िया किसकी पावर लगी गाइस, अभी के अभी जाकर कमेंट में बताओ। यस गाइस, अभी के अभी जाओ फटाफट से जाकर कमेंट में बताओ, हल्क की पावर बेस्ट है, आयरन मैन की पावर बेस्ट है, या फिर थॉर की पावर बेस्ट है। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे सबसे बेस्ट लगी है थॉर की पावर, उसके बाद सबसे बेस्ट लगी है अपनी हल्क की पावर, और आयरन मैन की भी ठीक है उड़ने वाली। वैसे उड़ने वाली पावर और भी अच्छी होती है अगर वो थोड़ी सी फास्ट होती, तो इतनी फास्ट नहीं है वो पावर। आई थिंक यही वाली जगह थी जहाँ पर ये लोग मुझे पीट रहे थे, वो लोग यहाँ पर होंगे या भाग गए होंगे? आई थिंक भाग गए यार वो। छोड़ो भाई, वो लोग तो भाग गए, मैं तो सोच रहा था यहीं पर होंगे, इधर से भागे होंगे वो लोग। छोड़ो गाइज, यार तुम लोग आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन प्रेस करके आज से नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और कमेंट में जरूर बताना किसकी पावर तुम लोगों को सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यस गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वैसे ये पावर मेरी जो है करंट वाली, ये क्या गाड़ियों पे भी काम करेगी? एक सेकंड, ओ भाई गाड़ी पे भी काम कर रही है, ओ उसकी गाड़ी पे भी काम कर रही है, व्हाट भाई, लिटरली मैं उसकी गाड़ी पे भी काम कर रही है पावर, कैसे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।